हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू इंटेंशन आपके पार्टनर के। ठीक है, हम देखते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है, वो सिचुएशन में क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रू इंटेंशन क्या है उसके उनके उस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग स्टैंडर्ड्स होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है इस सिचुएशन में। प्लीज एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के ट्रू इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर। एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, किंग ऑफ फन, एंड यहाँ पे है एरीज जियो सेजिटेरियस एंड फाइव ऑफ सूट। बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच होके बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वो यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पर है एस ऑफ फन, एरीज जियो सेजिटेरियस डेथ। यहाँ पे कोई स्ट्रांगली स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर या आप, और यहाँ पर कोई स्ट्रांगली एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनकी एक एक उनकी जो पास्ट में अगर उनके पास बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन रही है, तो अब इमोशनली वो अपने आप को ओपन अप कर चुके हैं आपके लिए। उनके जो ट्रू इंटेंशन है वो, अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक फिजिकली मेरे तरफ अट्रैक्टिव है, या तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में उनके जो एक्शन थे वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वे में रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे एक्शन रहे कि आपको ऐसा फील हो सकता है इस पर्सन के अंदर एक इमोशनल साइड मेरे लिए ओपन अप नहीं है। तो आपके पर्सन के इस वक्त जो ट्रू इंटेंशन मुझे आ रहे हैं वो अट्रैक्टिव तो हैं, आपको गुड लुकिंग चार्मिंग देखते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन, अथॉरिटिव पर्सन, बहुत पावरफुल पर्सन की तरह देखते हैं आपको। उनको बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव पर्सन लगते हैं आपको। कुछ होने से पहले आपको पहले ही, इट मीन्स एक सेंस होता है कि यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा एक इनकी बातों को कहने से पहले आप इसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आप एक इंट्यूशन से भरे पर्सन लगते हैं। विजडम आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, नॉलेज, क्रिएटिविटी, बहुत कुछ, आपकी एक इंटेलिजेंस है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो आपके पर्सन एक उनको पता है, वो कम्युनिकेशन भी आपसे कम से कम करते होंगे। वो जानते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आप वो आपको कुछ बताएं ना बताएं आपको सब पता चल जाएगा। एक बिगनिंग चाहते हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा ही पर्सन एक फिजिकल वाइज आपसे एक फिजिकल लेवल पे आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता था, तो आप इमोशनली आपके साथ कनेक्शन के लिए ओपन अप हो चुका है। इसके आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन ये हैं, वो एक इमोशनली आपके साथ ओपन अप होना चाहते हैं, एक इमोशनल कन्वर्जेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आप उनको जज कर चुके हैं पास्ट में कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक जैसे फ्लर्टी पर्सन है, बहुत ज़्यादा ये एक फिजिकली लोगों से अट्रैक्ट होता है, इसको हर खूबसूरत चीज़ या हर खूबसूरत इंसान अच्छा लगता है। एक एक यहाँ पर इस पर्सन की इमेज क्रिएट हो चुकी है आपके पास। ठीक है, इस पर्सन को थोड़ा सा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि आप जो आप फील करते हैं इसके लिए, इसने जो पास में आपके साथ या तो जो भी इसने जिस तरीके से जिस लेवल पे आपको ट्रीट करा, तो आपको यही फील हुआ ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन बेस्ड पर्सन है, ये इसी बेस पे लोगों को अट्रैक्ट करता है, ये इसी बेस पे अपनी लाइफ पे लोगों को लाता है। तो इसको ये कन्फ्यूजन है, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा किसी के लिए ऐसा फील नहीं कर पाया जो आपके लिए फील कर पाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव और इंटेलिजेंट पर्सन है। इसको इसको एक ऐसा फील होता है कि इमोशनली आपके साथ ये कनेक्शन को बनाना चाहता है, बहुत ज़्यादा ये इमोशनली आपके लिए फील करता है, और अब आपको बताएगा तो आप शायद आप इसकी बात पे ट्रस्ट ना करें। ठीक है, इसलिए कोल्ड और डिटैच रहता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि खामोश रहना यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ एक आपके ऊपर कोई ना कोई एक डेविलिश एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जैसे वो जो एक अपने तरीके से चीज़ों को चलाना और अपने तरीके से आपको होल्ड करना, ये कर चुका है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ये आपको समझ में आ चुका है, ये एक बहुत ज़्यादा
पैशनेटली फ्री क्यों रिलेशनशिप चाहता है, तो इसको ऐसा लगता है कि अब आप इसको इमोशनली जो इसके अंदर आपके लिए एक लव बिगनिंग हो रही है, आपके दिल में जो इसके लिए एक क्रेविंग होती है, जो इस पर्सन ये जो पर्सन फील कर पा रहा है, आपका लव जो इसने पास में फील नहीं करा, तो ये अब वो जो बताएगा तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये ना कोई कोई ना कोई ये गेम प्लान कर रहा है, ये आपको कुछ कह नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुका है, एक अपनी ही धुन या अपनी ही एक चीज़ों में मगन है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में ये। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करे तो कैसे करे, अपने इमोशंस के बारे में इसको नहीं पता, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है, आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये आपसे अब इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है इसने किसी की सुनकर आपको गलत इंसान समझा और गलत तरीके से ट्रीट करा, इसने आपको फ्लर्टी इंसान समझा और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, इसने आपको बस एक अपने शौक के तहत आपसे अपनी दोस्ती करी, आपसे बातें करी, और आपके ऊपर इसका जो एक इम्प्रेशन रहा है वो गलत रहा है, वो नेगेटिव इम्प्रेशन रहा है, तो इसको नहीं पता कि अब आपके लिए ये ओपन अप हो चुका है, अपने 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 जैसे ये अपने हार्ट से आपके लिए एक फीलिंग इसके लिए जो एक अनकंडीशनली फील कर पाता है, ये आपको कैसे बताए। फाइव ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग के बीच कन्वर्जेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग की काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है, या तो आप लोग कम्युनिकेट इससे करना नहीं चाहते क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। एट ऑफ पैंटिकल, आप खुद के साथ अपनी खुद की लाइफ में बिजी हैं, ये आपकी एनर्जी है। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एट ऑफ पैंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, ये पर्सन जानता है आप खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, खुद की लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आपको इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस पर्सन से क्या बात करें, आपको ये बात समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं कि आप इसके लिए लव फील नहीं करते, आप एक एक बिगनिंग चाहते हैं, आप एक रीस्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता यहाँ पर हो क्या सकता है, क्योंकि आपने पास में बहुत ज़्यादा इसको अनकंडीशनली लव दिया, अनकंडीशनली अपना लव, प्यार, केयर, हर चीज़ प्रोवाइड करी, हमेशा इसका ख्याल रखा, जब से ये आपकी ज़िंदगी में आया आपने इसकी बहुत ज़्यादा केयर करी, आपने अपने से ऊपर इस पर्सन को रखा, लेकिन अब आप आपको होप नहीं है इस सिचुएशन में, आप इस इंसान से उस तरीके से आप जुड़ नहीं पाते जो आपने, क्योंकि ना आपको होप है ना आपको ऐसा लगता है यहाँ पर जो जिस तरीके से आप चीज़ों आप चाह रहे थे वो बन सकेंगे, इसलिए आप उस तरीके से फील ही नहीं कर पाते, एक अंदर की आपकी फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपनी कैरियर ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपनी एक इंडिविजुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ये पर्सन को लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप जिस रास्ते स्टार्ट करेंगे, चुनेंगे अपनी लाइफ में, चूज करेंगे, वहां से आपकी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू रास्ता स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन होप कर रहा है, ये विश कर रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, पास की तरह एक आप लोग का कन्वर्जेशन हो आप लोग के बीच, ये आपको बता पाए, आपके साथ ये पैशनेटिव एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहता, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप नहीं चाहता, ये इमोशनली फील करता है अब आपके लिए, ये इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, ठीक है, ये आपके साथ एक एक सोल टू सोल रिलेशनशिप चाहता है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा मदरली, केयरली, नर्चर करने वाली, इट मीन्स आप सोल टू सोल एक सोल से कनेक्ट होते हैं आप इंसान के, आप किसी के भी पास एक फिजिकल बेस पे नहीं जाते, एक ऐसी बेस पे नहीं जाते कि जहाँ पर सिर्फ एक पैशन हो, जहाँ पे सिर्फ एक फायरी एनर्जी हो, जहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन हो, आप अट्रैक्शन बेस्ड पर्सन की तरफ नहीं जाते, आपको जहाँ लगता है आपको जैसे खुद है ना एक इंट्यूटिवली आपको यहाँ पर एक कनेक्शन फील हुआ था कि जैसे डिवाइन ने ये आपके लिए रिलेशनशिप बनाया, डिवाइन ने ये आपके लिए पर्सन बनाया हो, जैसे ये फेटेड रिलेशनशिप है, उस तरीके से आप इस पर्सन को अप्रोच करने गए थे, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जब आपकी तरफ अप्रोच करने, आप लोगों की कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हुई थी तो ये पर्सन एक अट्रैक्शन बेस्ड था, इसने आपको फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग बेस पे कनेक्शन को इसने स्टार्ट किया था, इसने बोला था अट्रैक्शन है, 10 लोगों से बात करता हूँ, बात शुरू हो गई तो क्या हुआ, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आपने इसको जितना लव किया, नर्चर किया, जितनी आपने इसको केयर दी, जितना भी आपके पास था, ठीक है, आपने सब इसको अपने से ऊपर रखा, हमेशा आपने इसका ख्याल रखा, चाहे आपका ख्याल रखे ना रखे, आपने आपने इसको हमेशा एक केयर दी, लव दिया, शायद जो इसको अपने एक घर से ना मिला वो आपने उस कदर इसको जैसे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया,
उस तरीके से आपने इसका ख्याल रखा, लेकिन इस पर्सन को उस वक्त सिर्फ ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर और, इससे बेहतर और। इट मीन्स आपको उसने वो वैल्यू नहीं दी, आपको उसने फॉर ग्रांटेड लिया है। इसको ऐसा लगा कि आप तो हमेशा रहेंगे, अगर आपसे बेहतर कोई और मिल जाए तो मैं और देखता हूँ। इट मीन्स ना इसने अप्रिशिएट किया जो आप इसके लिए कर रहे थे, जो आपने इसके लिए एक, आपने जो इसकी लाइफ में, इसकी एक बेरौनक, एक जिंदगी में एक रौनक डाली थी, एक रोशनी की किरण आपने इसके अंदर, एक जिसे एक स्टार की तरह आप चमके थे इसकी लाइफ में आकर, क्योंकि कुछ नहीं था आपसे पहले इसकी ज़िंदगी में कुछ खास, ठीक है। तो अब ये सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो आया वो मैंने लूज़ कर दिया अपनी एक इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन बेस चीज़ें बहुत हैं। ये अट्रैक्ट एक इमोशनल है, इमोशनल साइड को साइड में रखता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये जो इस वक्त का जो वर्ल्ड है, ये मनी, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये अट्रैक्शन बेस्ड वर्ल्ड है, ये दिखाने जैसे एक होता है ना, हर चीज़ को दिखाना, फ्लैक्स करना, हर चीज़ जैसे उस सुपरफिशियल लाइफ के पीछे भाग रहा था ये, जिसमें कुछ भी नहीं है। तब ये समझ पा रहा है किसने किस किस तरीके के पर्सन को खुद से दूर करा है, क्योंकि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि आपके दिल में उस तरीके की चीज़ नहीं रही है, आप डिटैच हो चुके हैं, ये आप जो थे, एक एक डिवाइन ने जो आपके दिल में इसके लिए डाला था वो एक टाइम तक के लिए डाला था, इसने उस चीज़ को समझा नहीं, अब आपका दिल उस चीज़ की तरफ, आप वैसे नहीं हो सकते वापस, ठीक है। आपको आपकी खुद के अंदर की फीलिंग्स ये है, आप इससे कम्युनिकेट कर भी लेते हैं तो आपको वो एक्साइटमेंट, वो लव, वो केयर, वो एक 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 चीज़ फील नहीं हो पाती कि आप, हाँ भाई, उस पर्सन से बात कर रहे हैं जिसका आप इंतज़ार करते थे एक एक महीना, जिसके एक मैसेज का आपने वेट करा है, आप उस पर्सन से बात कर रहे हैं। आप बात भी हो जाती है तो आप नॉर्मल रहते हैं, आप बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छा बात हो गई हो गई, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ फील नहीं होता, ठीक है। आप उस तरीके का लव फील कर नहीं पाते इसके लिए, इमोशनल एक साइड आपकी उस तरीके से एक एक इसके लिए, जैसे आपके जैसे फेस पे एक लाइट आ जाती थी इससे बात करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, आप, आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फेयर है, आपको फेयर नज़र आते हैं, आपको डर नज़र आते हैं, ठीक है। आप अपनी विशेष की तरफ जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ये इमोशनली कनेक्शन आपके लिए फील कर रहा है, ये पर्सन आपको अपनी विश समझता है, जहाँ पर आपको लगता है चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, यहाँ पर एफर्ट डालना बेकार है, अपने सेल्फ पे काम कर लेना चाहिए, आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक, यहाँ पर रीस्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, आपको यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पर आपको इस पर्सन से रिकंसाइलेशन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप, आपको ऐसा लगता है चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, यहाँ पे टावर मूवमेंट हो चुका है, यहाँ पे चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ये पर्सन चाहता है कि आपकी और इसकी एक लाइफ हो, ये आपको चूज करना चाहता है, अगर इसके पास चॉइसेस भी हैं तो। वो ये प्रेयर कर रहा है कि आपके साथ एक इमोशनली इसको एक कनेक्शन बनाने का मौका मिले, एक एक इमोशनल लेवल पे स्टार्ट मिले, ये आपके साथ रिकन्साइलेशन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आपके दिल के जो फेयर्स हैं उसको कैसे ये बाहर करेगा, ठीक है। फेयर के नीचे 10 ऑफ कप्स, आपको यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पर एक, एक कहते हैं ना कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर वो अंदाज़ा नहीं है, या तो वो फीलिंग्स नहीं आती कि यहाँ पर आपकी, आप ये पर्सन आपका हस्बैंड मटेरियल हो सकता है या वाइफ मटेरियल हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपसे हिडन हैं, आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं जो आपको पता ही नहीं है, आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं जब इसके बारे में सोचते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, आपको, आपको ऐसा लगता है मैं जो कर सकता था मैंने किया इस इंसान के लिए, इसने क्या किया मेरे लिए, इसने मुझे क्या दिया, इन रिटर्न इसका इसका क्या राइट बनता था मेरे लिए करने का, ठीक है। आप इसलिए सिचुएशन से एक होता है ना डिटैच हो चुके हैं, एक दिल नहीं चाहता आपके अंदर से, दिल से वो एक्साइटमेंट, वो लाइट, वो रोशनी, वो यहाँ पर एक एक पर्सन से कम्युनिकेट करने की, इस पर्सन से स्पेसिफिक किसी पर्सन होता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं तो पूरा दिन हमारा एक बहुत अच्छा हो जाता है, वो आपको वो फीलिंग्स नहीं आती, ठीक है। आपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे काउंटर पार्ट है, ठीक है। लेकिन अब एक मुझे यहाँ पर लग रहा है ये पर्सन अब बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, जब इससे मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, इसको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आपके
आपकी लाइफ में इसके अलावा बहुत सी चीजें आप जिनको करना चाहते हैं, ये डिवाइन जजमेंट हो रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। ये अब इमोशनली आपके साथ ओपन अप होना चाहता है, यहाँ पर आपको कोई ना कोई ये अपनी ये नेगेटिविटी से निकल कर आपको कोई ना कोई क्लैरिटी देना चाहता है। जो पास्ट में जगलिंग कर रहा था, अगर इसके पास च्वाइस भी थी तो इसने अब आपको चूज करना चाहता है। ये अब आपको आपके साथ आपको अपनी विश की तरह देखता है, ऐसा लगता है आप इसको इमोशनली सेटिस्फेक्शन देखते हैं डीप डाउन। इसको बहुत टाइम बाद जाके रियलाइजेशन हुई है, आप इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसका दिल आपके साथ खुश रहता है। लेकिन अब आप अपने सेल्फ के साथ बिजी हो चुके हैं, अब आपको वो थ्री वो एक्साइटमेंट, वो लव फील नहीं हो रहा है इस पर्सन के साथ। आपको ऐसा लग रहा है खुद की जात पे काम करना, खुद के ऊपर एफर्ट डालना ज्यादा जरूरी है। आप अपनी सेल्फ को एक प्रायोरिटी देना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में चीजों को, आपने अलग अलग प्रायोरिटी कर दी, इसकी प्रायोरिटी कम हो गई आपकी जिंदगी में, ठीक है। आप इसके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है आप बहुत ज्यादा इसके बारे में आप वो प्यार खत्म हो गया, नहीं, आप वो एक होता है ना, वो थ्रिल पैदा नहीं होती, वो एक एक्साइटमेंट पैदा नहीं होती, वो स्पार्क चला गया आपके अंदर से, जब इससे जो इससे बात करने के बाद आपके अंदर होता था, ठीक है। इसने क्या बोला आपको वो वर्ड भी याद रहता था, लेकिन अब वो चीजें नहीं रही आपको। अब बात हो गई तो ठीक है, अच्छा, अब आपको फील नहीं होता कि आपकी इस पर्सन से बात हो रही है। आप पास्ट की चीजें सोचेंगे, जब आपकी इससे बात होती है आप एक्साइटेड होते थे, आप मोबाइल पकड़ कर वेट करते थे कि कॉल आएगी या मैसेज आएगा, नहीं। तो अब चीजें वो थोड़ी सी आपके अंदर से स्पार्क खत्म हो गया इस रिलेशनशिप को लेकर, और ये पर्सन देख पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस सिचुएशन में एक मिस अपॉर्चुनिटी सी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसका मेंटली, इसका ट्रॉमा, इसका डीप डाउन ये बहुत ज्यादा स्ट्रक है। ये अपने दिमाग, ये अपने काम पे भी ध्यान नहीं लगा पा रहा, वो ये चाह रहा है इस सिचुएशन को ये रिजॉल्व करे जल्द से जल्द जैसे भी, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये पर्सन आपके लिए डिपेंडेंट है। इसको इमोशंस सिर्फ आपसे मिलते हैं, एक हीलिंग आपसे मिलती है, जो केयर और लव आपसे मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। ये अब इसको ऐसा लग रहा है, अगर इसने किसी की बात सुन के रिलेशनशिप खराब किया था, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था, तो ये वो ट्रस्ट आपके ऊपर, इसको ऐसा लग रहा है मैंने सही इंसान यही था जिसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था मुझे। वो जो टाइम था उसको, उसका इसको फीलिंग ऑफ लॉस है कि एक मैंने एक अच्छा इंसान और सही वक्त मुझे मिला था, जो मैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुआ था, मैंने हर चीज़ खराब कर दी यहाँ पे, हर चीज़ मैस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन प्रेयर कर रहा है कि यहाँ पर हीलिंग आ जाए। ये इमोशनली खुद को ओपन अप करना चाहता है, कोई ना कोई टेक्स्ट कॉल करना चाहता है। इसकी इंट्यूशन कह रही है यहाँ पे अपने इमोशंस बता के एक मैसेज पे दे दो, फिर जो भी यहाँ पे होगा वो एक नसीब को समझ के एक्सेप्ट कर लेना। अगर ये पर्सन आपको ओके करता है तब भी, डिवाइन इसको कह रहा है कि तुम्हें एक फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए इस पर्सन से, और जो भी इमोशंस हैं इससे एक दफा क्या नाम है इसको कन्वे करना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को इसको बताना चाहिए। अब वो मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी भी लेटर के थ्रू या फ्रेंड के थ्रू, उसको इंट्यूशन हो रही है कि आपके साथ इसको कनेक्शन में एक बार आके अपने दिल की बात बतानी चाहिए, फिर जो भी हो ये फिर एक्सेप्ट करने को तैयार होगा, ठीक है ये पर्सन। क्योंकि इसके खुद का भी यही है कि मैं एक दफा खुद को, अपने आप को हील कर लूँ, क्योंकि जो इसने आपके साथ किया उसकी वजह से इसको खुद को सुकून नहीं मिल रहा, एक अंदर की ज़ात इसकी बेचैन है, जैसे एक इरिटेशन है, सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे खालीपन है, एक जैसे पजल का पीस एक खो चुका हो, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है वो पीस कभी वापस आके जुड़ नहीं सकता। इसने खुद उस पजल को निकाल के उखाड़ के फेंक दिया, उसको पीस को खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से। जो पीस आप थे, जिस तरीके से आप इसके पजल में आके फिट हुए थे, इसको कंप्लीट किया था, इसको वो कंप्लीशन फील नहीं हो पा रहा कहीं, उसको सिर्फ वो कंप्लीशन आपसे फील होता है। इसका जो ट्रू इंटेंशन है, जो इसके जो ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू इसके जो इमोशंस है आपके साथ, एक इमोशनली लॉयल और एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाना आपके साथ, इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग करना, एक रीस्टार्ट लाना, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए, इसके ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। आप बहुत ज्यादा इमोशनल है ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, आप इमोशनल वाइज इस पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया है इमोशनली, और प्रैक्टिकली भी आप कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। इसके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज इस पर्सन के, इसके जो ट्रू इमोशंस हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा लव, इसका ओवरफ्लो हो रहा है, रीयूनियन ऑफ सोल, यहाँ पर जो इसके ट्रू इंटेंशन है, यहाँ पर रीयूनियन ऑफ सोल, इसकी फीलिंग्स आपके लिए एक रीयूनियन चाहती हैं, ठीक है, एक रीस्टार्ट चाहती हैं, एक रीबिगनिंग चाहती हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर।
इस पर्सन को पता है इसका इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट, इसका फ्यूचर सब आपसे बन सकता है, ठीक है। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दोबारा आ गया। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, ये चाहे तो हर चीज़ बदल सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, लेटिंग गो। आप लोग को यहाँ पर इस रिलेशनशिप से नेगेटिविटी को लेटिंग गो करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप को एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, देखिए यहाँ पे मैं दोबारा डेक को मैंने यहाँ पर इसको शफल किया, उसके बाद निकाला है रीयूनियन ऑफ सोल। सोल एंगर, लेकिन यहाँ पे लेटिंग गो, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में जो एक एंगर है, एक दूसरे की तरफ जो गुस्सा है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। चेंज, देखें, चेंज और डेथ। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अगर आप बिगनिंग चाहते हैं तो एक चेंज लाएं, और यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग के बाद एक बिगनिंग आ रही है। इस रिलेशनशिप को आपको न्यू बिगनिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप को जिस तरीके से ये रिलेशनशिप अब बनना चाहता है। अगर एंगर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है दिल में, अगर गुस्सा है, इसको रिलीज कर दें। ये रिलेशनशिप के लिए, आप लोग की न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर है न्यू बिगनिंग, एक डेथ, जो एक एंडिंग आ गई, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइजेशन है यहाँ पर ये पर्सन चेंज चाहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और आप भी अब जो चेंज मांग मांग के थक चुके थे, ये पर्सन लाने को वो तैयार है। जब आपने इधर से वॉक अवे करने का आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जब यहाँ पर आप लेटिंग गो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चेंज होकर आएगा। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। रिट्रीट, बिल्कुल, तो यहाँ पर सब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आप लोग किसी एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, रिकन्साइलेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने रिलेशनशिप, आपका एक 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 न्यू तरीके से आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकेंगे। ट्रांसफॉर्म, ये पर्सन एक न्यू, एक बिल्कुल चेंज होकर आपके सामने आने वाला है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।